हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आपके पास रेडमी 10A का फ़ोन है और आपके फ़ोन में स्पीकर प्रॉब्लम आ रही है। यहां पे आपके फ़ोन में गाइस पहले बहुत ज़्यादा स्पीकर था और अब जो है आवाज़ बहुत कम आती है, या तो फिर आपके फ़ोन में आवाज़ ही नहीं आ रही है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके दोबारा से ऑन कर लेनी है। कभी कभी प्रॉब्लम आती है तो ऐसा करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओके, तो आप सभी लोग एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो यहाँ पे आपको अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन करना है। फ़ोन में सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर की ओर स्लाइड करना है और गाइज यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है एडिशनल सेटिंग का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर की ओर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्लियर स्पीकर करके, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से क्लियर स्पीकर करके लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो है इसको ऑन कर देना है, इसको इनेबल कर देना है क्लियर स्पीकर को। यहाँ पे जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपके फ़ोन में 30 सेकंड तक एक ऑडियो बजेगा और वो जो ऑडियो है वो आपके फ़ोन का स्पीकर को जो है मतलब कि क्लीन करेगा। तो आपको गाइज यहाँ पे 30 सेकंड तक जो है वेट करना है और उस ऑडियो को जो है बंद कर देना है। तो 30 सेकंड के बाद जैसे ही आपके फ़ोन में ऑडियो बजेगा और आपके फ़ोन का जो स्पीकर है वो क्लियर हो जाएगा, तो आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके फ़ोन जो है पहले जैसा ही साउंड यहाँ पर बजने लगेगा आपके फ़ोन में। ओके, तो इसी तरीके से गाइज आप सभी लोग जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।